सालासर तवरा गांव में श्री कृष्ण गोपाल गौशाला परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ बुधवार को कलश यात्रा के साथ शुरू किया गया। कलश यात्रा ठाकुर जी मंदिर से शुरू हुई। महिलाएं और कन्याएं पीला वस्त्र धारण कर सिर पर कलश उठाए नगर भ्रमण में शामिल हुई। कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बैंड एवं धर्म ध्वजा युक्त घोड़ा झांकी निकाली गई। कलश यात्रा मुख्य मार्ग स्कूल ग्राम पंचायत से होकर श्री कृष्ण गोपाल गौशाला पहुंचकर संपन्न हुई। मनोज कुमार नवहाल ने बताया कि व्यास पीठ पर जयपुर से पधारे आचार्य राजेश्वर महाराज विराजमान होंगे। प्रातः 11 बजे से भागवत महात्म्य मंगलाचरण होगा, साथ ही भागवत महात्म्य मंगलाचरण होगा। साथ ही भगवान की बाल लीलाओं से लेकर असुरों के वध और यमुना में कलिंगा मर्दन के प्रसंग का रसपान करेंगे। प्रत्येक दिवस झांकी के माध्यम से भगवान के विभिन्न स्वरूपों एवं लीलाओं का दर्शन होगा। 15 नवंबर को विशाल भजन संध्या, 1 शाम को माता के नाम शेखावाटी के जाने माने भजन सम्राट प्रकाश दास महाराज द्वारा भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की जाएगी। 21 नवंबर को विशाल कथिया भजन सम्राट द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। 22 नवंबर को पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मनोज कुमार नवहाल, नूपाराम दिलोया, गोपीराम बिजारणिया, मोहन राम सेन, प्रभुराम डूडी, दुर्गाराम खोकर, ओम प्रकाश सोनी, मूल सिंह, रतन सिंह, दिनेश नवहाल, मुरली नवहाल, महेंद्र सिंह, भवन सिंह, सूर्य प्रकाश नवहाल, मनोज इंदौरिया अनेक ग्रामीण जन उपस्थित रहे।